रुकिए रुकिए रुकिए, वीडियो को स्किप एकदम मत करिएगा, स्क्रॉल भी एकदम मत करिएगा। नहटी सिटी जो कि जाना जाता है बड़ो माँ के नाम से, और बड़ो माँ का जो इस बार 100 ईयर्स कंप्लीट हुआ है, और 100 ईयर्स के उपलक्ष्य पर जो इस बार पूजा किया जा रहा है, उसको देखने के लिए बहुत भीड़ उमड़ रहा है। और इसी भीड़ में घूमने जाने के लिए बहुत सारे जो मेरे व्यूवर्स हैं, वो लोग वीडियो देखकर कमेंट कर रहे हैं कि भैया बताइए कितना भीड़ हो रहा है, कितना बजे जाने से फाँका रहेगा, भीड़ हल्का रहेगा, हम लोग आराम से बड़ो माँ का दर्शन कर पाएंगे। तो उन लोगों के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को स्किप एकदम मत करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और मैं अनूप प्रसाद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ सर्चिंग फॉर पास्ट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों सीधे कब से जो आप लोग ये फुटेज देख रहे हैं स्क्रीन पर मेरे पीछे, ये देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि नहटी का बड़ो माँ का क्रेज आखिर क्या है इस साल का। ये पहला दिन का फुटेज दिखा रहा हूँ, 12 नवंबर रात का 8 बजे के बाद का ये मैं भीड़ आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये है नहटी जंक्शन, नहटी स्टेशन का ये मैं फुटेज दिखा रहा हूँ। अब आप लोग समझ लीजिए, नहटी स्टेशन का अगर ये हाल है, नहटी रेलवे ओवर ब्रिज का अगर ये हाल है, नहटी रास्ता का अगर ये हाल है, तो बड़ो माँ के पास कितना भीड़ होगा। आप लोगों को बता दूं, जो लोग सोच रहे हैं फैमिली लेकर जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे लेकर जाएंगे, बड़े बुजुर्ग को लेकर जाएंगे, एजेड लोगों को लेकर जाएंगे, महिलाओं को लेकर जाएंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नहीं जाना है, जाना जरूर है, माँ का दर्शन जरूर करना है, मन का जो मनोकामना है वो आप लोगों को मांगना है, उसको पूर्ण करना है, लेकिन थोड़ा सा सावधानी बरत कर जाना है, थोड़ा सा सोच समझ कर जाना है, क्योंकि अगर कुछ होगा तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका दायी जो है वहाँ का पूजा कमेटी नहीं लेगी और प्रशासन नहीं लेगी। मैं आप लोगों को बता दूं, नहटी पुलिस प्रशासन जो है, और साथ ही साथ नहटी बड़ो माँ का जो मंदिर के कमेटी के जितने भी सदस्यगण हैं, उन लोगों के तरफ से बहुत ही बेहतरीन तरीके से बड़ो माँ का दर्शन के लिए मैनेजमेंट बोलिए या फिर रूल रेगुलेशन बोलिए, वो रखा गया है। और साथ ही साथ नहटी पुलिस प्रशासन के तरफ से इतना बेहतरीन तरीके से सहमति मिल रही है दर्शनार्थियों को, और इतने अच्छे से दर्शन कराया जा रहा है कि क्या ही मैं बोलूं। लेकिन फिर भी जब एक भीड़ का लंबा कतार रहता है, एक भीड़ का जब जन सैलाब रहता है, तो उसी जन सैलाब में होता क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूं। सपोज दैट मान लीजिए पूरा भीड़ है, सामने में कुछ बुजुर्ग महिलाएं या बुजुर्ग लोग खड़े हैं जिनका एज 60, 65, 70 समथिंग कुछ एज है, लेकिन पीछे जब भीड़ होता है, जब लोग आगे बढ़ते हैं तो डिसबैलेंस होता है और सामने की तरफ प्रेशर पड़ता है, तो वो लोग गिर पड़ते हैं, जो पिछले साल कुछ एक दुर्घटना हुआ था। तो बस आप लोगों को यही बोलूंगा, जो लोग पूछ रहे थे कैसा भीड़ है कैसा भीड़ है, दो ही बात बोलना चाहूंगा उन लोगों के लिए। पहला, बिंदास जाइए घूमने, बिंदास दर्शन करिए माँ का, क्योंकि पुलिस प्रशासन बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शन करा रही है, और साथ ही साथ बड़ो माँ का जो मंदिर के कमेटी के जो सदस्यगण है, वो लोग भी बड़े ही बेहतरीन तरीके से मंडप करा रही है, पूरा सेफ सिक्योर एकदम अरविंदो रोड है, आराम से जाइएगा, आराम से दर्शन करिए। लेकिन भीड़ का अगर मैं बात करूँ, दूसरा मुद्दा, भीड़ आप लोग देख सकते हैं, इसका अंदाजा लगा सकते हैं, अब बाकी आप लोगों के ऊपर है, मैं अपडेट दे दिया हूं। चलिए अब अंत में बड़ो माँ का जो फर्स्ट लुक, जो हम लोग बोल सकते हैं पहला दिन का लुक, 2023 का लुक, तैयार होने के बाद का लुक, वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। तो कमेंट सेक्शन में जय जय बड़ो माँ का नारा जरूर लगाइएगा, अपने भाई को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों बड़ो माँ का जो रूप 2023 का आप लोगों को दर्शन करा दिया हूं, तो चलिए ऐसे ही अपडेट फेस्टिवल को लेकर मैं आता ही रहूंगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट पूजा मंडप में कुछ नए थीम के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आज का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बड़ो माँ, वंदे मातरम।